महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोर्चा विभागों की प्रभारी शोभा ओझा ने एशियन भारत की संवाददाता से विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने मैहर और उज्जैन में नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश का मुखिया संवेदनशील नहीं होगा तब तक ये अत्याचार बढ़ते जाएंगे। वही जब उनसे कन्हैया कुमार के मंच साझा करने की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता है, बीजेपी द्वारा राष्ट्रद्रोह कहने पर कहा कि बीजेपी यह तय नहीं करेगी कि कौन राष्ट्रद्रोही है और कौन राष्ट्रवादी है। इस दौरान उन्होंने नारी सम्मान योजना को लेकर भी चर्चा की। शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं। मैम, आज एक नारियों से जो चर्चा हुई है, महिलाओं से जो चर्चा हुई है, काफ़ी मुद्दे रखे गए, लेकिन अगर अभी फिलहाल में देखा जाए तो जो गैंगरेप के जो मामले हैं, जो बलात्कार के जो मामले हैं, लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए मेहर की, बात की जाए उज्जैन की, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अत्याचार एक तरफ तो बहुत कानून सख्त है, पर महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश लगातार नंबर एक पर है। मैहर में एक छोटी 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उज्जैन में हो रहा है, रोज इतने सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो आते हैं। और मैं समझती हूँ जो पुलिस केस होते हैं, FIR दर्ज होती है, वो बहुत कम है और तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आधी समय केस ही रजिस्टर नहीं होते हैं। तो ऐसे में जब मुखिया बड़ी बड़ी बातें करता है महिला सम्मान की, महिला सुरक्षा की, पर अगर वो समाज में दिखता नहीं है तो कहीं ना कहीं मुखिया असंवेदनशील है, इस बात पर मोहर लगती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी से कहूँगी कि गाल बजाने के बजाय अगर वो खुद संवेदनशील हो और अपनी पुलिस को संवेदनशील करें, एक ऐसा माहौल बनाए कि ऐसे दरिंदों में डर व्याप्त हो और रेप और महिला अत्याचार को पार्टी में या जात पात धर्म के नाम पर ना बांटे। महिला महिला है, उसके साथ हुआ अत्याचार अत्याचार है, चाहे कोई भी दरिंदा हो, उसको अगर कड़ी सजा मिलेगी तो ये दूसरे दरिंदों को में भय पैदा करेगी और कहीं ना कहीं क्राइम अगेंस्ट वेमेन कम होगा। दीदी, नारी सम्मान योजना को लेकर गृह मंत्री जी का कहना है कि नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने की गलती भी मत कर देना, क्योंकि वह अपने डॉक्यूमेंट लेके, आपके नंबर लेकर वह किसी पोहे जलेबी की दुकान पर वह डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाएंगे या फिर रद्दी में फेंक दिए जाएंगे। देखिए शर्मनाक है कि इस तरह की बात कौन कर रहा है, वो पार्टी जिसका प्रधानमंत्री इतनी हिंसा होने के बावजूद, जहाँ आज ब्रिटेन की सांसद ने भी इस बात पे चर्चा करी कि मणिपुर में इतनी हिंसा हुई है महिलाओं के साथ, वहीं हमारे देश की संसद में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनको इस समय मणिपुर होना चाहिए था और वहाँ कैसी भी हिंसा को ख़त्म करना चाहिए था, आज वहाँ वो ना जाकर पूरे टाइम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं सरकार बनाने के लिए, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। दीदी, आज अमित शाह जी आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि एक तरफ तो जो कमलनाथ जी ने कन्हैया लाल जी के साथ जो मंच साझा किया है, आपने भी मंच पे उपस्थित थे, तो वह राष्ट्रद्रोह के नारे लगाते हैं और अमित शाह जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कौन राष्ट्रवाद है, कौन राष्ट्रद्रोही है, इसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को देने की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि कन्हैया एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा है, JNU का एक अच्छा लीडर रहा है, और जो ये झूठी बातें कन्हैया के लिए फैलाई जाती वो भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है। और देश में कौन देश को बांट रहा है, कौन जहर उगल रहा है जाति धर्म के नाम पर, वो भी सब जानते हैं। जो तड़ीपाल गृह मंत्री इस देश का है, उसके बारे में भी सब जानते हैं, और उनका जो दायित्व आज होना चाहिए मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए, वो ना करके वो अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं लगातार और चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि वो कितने बड़े देश प्रेमी हैं। ये तो हमारे साथ शोभा ओझा जी, जिन्होंने महिलाओं को लेकर भी बात की, साथ ही अगर बात की जाए नारी सम्मान को लेकर बात की, वहीं जो कैलाश विजयवर्गीय या फिर नरोत्तम जी ने जो बयान दिए हैं उनको लेकर भी आज हमसे चर्चा की है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, ACN भारत, इंदौर।